हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते अनि सेवान्ने, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आप सभी लोगों को आज मेरा व्लॉग में स्वागत है। तो जैसे कि अभी आप मुझे जंगल को बीचों बीच देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे मेरा धुंध भी लगा हुआ है और मैं आज मेरा टूर मामरिंग से लेके कर्सियंग तक का है और बहुत ज़्यादा मात्रा में धुंध है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आप मेरा बैकग्राउंड में नेचुरल बर्ड्स का स्क्रीमिंग अथवा कि बर्ड्स का आवाज़ भी सुन रहे हैं जंगल के बीचों बीच में। और आज आप लोगों को यहाँ का कुछ कुछ व्यू दिखाने का मन हुआ, इसीलिए अभी मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ। तो जैसे कि मेरा प्रीवियस वीडियो में आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहिएगा और इसी तरह से प्यार मिलता रहेगा तो मैं अपना व्लॉग को आगे बढ़ाता रहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं एक जगह में रुका हुआ हूँ मामरिंग से, अभी ये जगह का नाम है मतलब कि अपर मामरिंग से थोड़ा सा ऊपर, अभी एक जंगल में मैं रुका हूँ और आप लोगों से बातें करने का मन हुआ इसीलिए मैं बातें कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ का जंगल का व्यू दिखा देते हैं और उसके बाद में चुपचाप रह के आप लोग सुनिए बर्ड्स का इतना अच्छा मतलब कि गाना ये बर्ड्स गा रहा है कि इसीलिए आप लोगों को सुनाने का मन हुआ, इसीलिए मैं सुनाना चाहता। सबसे पहले आप लोग सुन लीजिएगा। मुझे इसी तरह का मतलब कि सुनसान एरिया बहुत ही पसंद होता है। कभी भी अपने आप को जब फ्री टाइम मिलता है तो मैं इस तरह का एरिया में आके अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं इस रास्ते के थ्रू जाना है मुझे कर्सियंग। अभी आगे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉग लगा हुआ है, धुंध लगा हुआ है और इस धुंध को चीरते चीरते हम जाएँगे अपना मार्केट कर्सियंग। तो देखते रहिएगा और जहाँ पर भी मुझे टाइम मिलेगा तभी आप लोगों को मिलेंगे। तो इसी वादियों को इसी एरिया में आपको छोड़ के जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी मैं इधर चिमली के रास्ता आया था तो वहाँ से एक जगह है डियर पार्क, तो वहाँ पर एक आई लव डॉविल लिखा हुआ एक नया लगाया है तो उसको दिखाने के लिए आप लोग पास आया हूँ। क्योंकि जो भी नया चीज़ लगता है उसको दिखाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, डिस्प्ले एरिया इज डिजाइन फॉर चिल्ड्रेन 2 to 12 ईयर्स ऑफ एज, प्लीज सुपरवाइज योर चिल्ड्रेन एट ऑल टाइम्स, पेरेंट्स गार्डियंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी, कीप द पार्क क्लीन, प्लीज डोंट लेटर यूज द पिंस प्रोवाइडेड स्मोकिंग। सब कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को मैं ले जाऊँगा अंदर आई लव द विल के पास, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर लगाया गया है। तो अभी इस पार्क को एक बार फिर से एक्सप्लोर करने के मैं अवसर चाह रहे हैं। देख सकते हैं हरा भरा पार्क है, आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा एरिया क्लीन एंड ग्रीन आप लोग देख सकते हैं। यार आई लव डॉविल देखिए के पास भी हम जाएंगे। ये नया जो बनाया है उसके ऊपर अभी हम है, बहुत सुंदर डिजाइन से आई लव डॉल बच्चों लोगों के लिए बनाया गया है। ये आई थिंक 15-20 दिन हो गया होगा।
और यहाँ पर एक और चीज़, फ्लावर हाउस भी है आई थिंक, ये भी खुला हुआ है, तो इसको पास जाके हम ले सकते वीडियो। तो ये फ्लावर हाउस आपको मेरा वीडियो के थ्रू दिखाई दे रहा है। तो ये तो अभी यहाँ से इस पार्क का व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये जो पार्क है आपका कर्सियंग से 5-6 किलोमीटर ऊपर डाउ हिल में अवस्थित है, और आप लोग आके यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं और अपने बच्चों को लेके फुल इंजॉय कर सकते हैं और फैमिली टाइम समर वैकेशन स्पेंड कर सकते हैं। तो कुछ हरा भरा दिखाने का इच्छा होता है आप लोगों को, तो यही सब कुछ मेरा वीडियो में आप लोग को मिलता है, क्योंकि मैं भी एक नेचर लवर हूँ, इसीलिए आप लोगों को ये सारा सारा चीज़ दिखाने का मन होता है। तो यहाँ पर देखिए ये अलग टाइप का फूल भी आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर क्या हुआ है, क्या है देखिए रबी, देखिए नज़दीक में आओ भाई, देख सकते हैं रैबिट भी है यहाँ पर। यहाँ पर तो काम चल रहा है, अभी उतना नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं। ये अंदर भी बहुत सारा ऐसा एनिमल है, मगर अभी ये पब्लिकली उसको मतलब कि वो नहीं किया गया है। मुझे लग रहा है इसके अंदर भी कुछ एनिमल है, मगर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर अभी बंद है ये सब चीज़, पूरा का पूरा एरिया ये एकदम, देखिए कोई चीज़ तो है अंदर, बर्ड्स होगा, देखिए पूरा का पूरा अंदर भी एरिया है, मगर ये अभी फ़िलहाल के लिए बंद किया गया है। बाद में इन फ्यूचर ये जब खुल जाएगा ये एरिया भी, तो आप लोगों को दिखाने का हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ से देखिए आई लव जॉबिल इतना बढ़िया सुंदर दिखाई दे रहा है, मतलब कि देखिए ये झूला आपका, ये बच्चों लोगों का, ये पता नहीं इसका क्या बोला जाता है, स्विंग पुल देख सकते हैं। तो आज आप लोगों को मैंने अपना घर से लेके कर्सियंग का कुछ एक जगह जाके एक्सप्लोर किया, आप लोगों को दिखाया। आई होप सो कि मेरा वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरा वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मेरा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि हम जब भी अपना घर आते हैं तो घर आते समय ऐसे ही जगह जगह में घूम के आप लोगों को दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं, और कभी कभी एक्स्ट्रा चीज़ भी हम करने का कोशिश कर रहे हैं, और फैमिली ब्लॉगिंग साथ साथ में बहुत सारा चैलेंजेस वीडियो भी अभी का प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को बहुत जल्दी चैलेंजेस वीडियो साथ साथ में बहुत सारा ऐसा नया कंटेंट देखने को मिलेगा। और फ्यूचर में मैं अपना सोच रहा हूँ कि कभी कभी एक शॉर्ट वीडियो, इस तरह का शॉर्ट मूवी भी बनाने के सोच रहा हूँ। और ये आप लोगों को सपोर्ट रहेगा, आप लोगों का प्यार रहेगा, तो ये मेरा जो भी सपना है वो पूरा होगा। तो आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, इसी तरह से प्यार करते रहिएगा, और हमेशा संजोग राय ब्लॉग्स देखते रहिएगा, और मुझे आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार का जरूरत है। तो इसी वर्ड के साथ में आज का ब्लॉग से हम आप लोगों से विदा लेते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में नया कंटेंट के साथ में और नया जोश के साथ में आप लोगों से मिलना हुआ। तो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, और लास्ट में एक ही वर्ड हम बोलना चाहते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय बाय एंड गुड नाइट।